और कुछ ने भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट को रखा अपने सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ ONGC का सेकंड डे है जब करीब 1.5% बढ़ रहा है। आज आपको शुरुआत में रिलायंस भी दिखेगा ऊपर, 23 रुपये और ऊपर है, 0.5% है। कल के दोनों सुपरस्टार हैं, आज भी गैप के साथ खोल रहे हैं, अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ मेंटेन रखें। दूसरी बात यह है कि आज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स हैं वो उससे पहले 55 पॉइंट गैप के साथ खोल रहा है। बजाज फाइनेंस के नंबर खराब थे, 2.5% नीचे गया। IDC के नंबर्स थोड़े वीक थे, 2% नीचे है। मिले जुले कहेंगे, खराब भी नहीं करूंगा। मार्केट ने ओपन किया 35 पॉइंट का पहला टिक, 1450 शेयर। बाजार ठीक ओपन कर रहा है लेकिन अभी ना ही, उसके पास 45,500 आया, 500 पर आ गया है, लेकिन इसको 10-15 मिनट हमको टिकाना पड़ेगा और उसके पास 21,800 को भी रोकना पड़ेगा। रुक गए दोनों 10-15 मिनट तो फिर देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो करीब 22,000 के रास्ते भी खुलेंगे। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले अच्छे से अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखेगा। कोशिश कर रहा है निफ्टी, 21,800 के ऊपर आ गया इसका भी टिक और 45,600। और एक और चीज़, अगर आज की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आज बैंक के नाम होगी, ध्यान रखा जाए। कल निफ्टी के नाम थी, आज बैंक के नाम होगी। लेकिन अगर आई तो अभी मैं कोई ट्रेड इसके अंदर हम अभी इनिशिएट नहीं कर रहे। 1572 आपको एडवांसेस के अंदर शेयर्स दिख रहे होंगे। जल्दी से आ जाइए टॉप गेनर्स पे। आज मार्केट को स्क्रीन पर दिखाइए, ONGC करीब 1.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डी जिसके आज नंबर्स आने, प्रॉफिट अच्छा आएगा, मार्जिन थोड़े से खराब आएंगे, ज़्यादा खराब नहीं रहते तो शेयर चलेगा डॉक्टर रेड्डीज का। हाँ, वो पहले ही सिग्नल आपको दे रहा है। दूसरा, आज विप्रो थोड़ा शुरुआत में ऊपर आ चुका है, टेक महिंद्रा ऊपर है, आज इन्फोसिस ऊपर है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आज IT के शेयर्स थोड़ा आके निफ्टी को मैनेज करने का काम करेंगे। कल रिलायंस ONGC ने हेल्प किया एनर्जी ने, आज IT आके हेल्प कर रहा है, ये आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट आता है, आज हिंडालको जैसे शेयर्स भी आज ऊपर है, कुछ हद तक सिप्ला के अंदर कल जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज वो कन्वर्ट हो रही है बाय में। आते हैं शॉर्ट काउंटर्स पे, बजाज फाइनेंस के नंबर अच्छे नहीं थे, 4% नीचे चला गया। और सोनी ने आपसे ये बात कही थी कि वेट एंड वॉच, उन्होंने कहा था कि कोई सौदा आपको नहीं लेना है, हम वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद को समझ में आएगा तो देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। छोड़ना इस बाजार का सबसे बढ़िया वर्ड है, लेना और बेचना इस बाजार का थोड़ा मुश्किल वर्ड है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर तो अलग ही बात है। आते हैं बजाज फिनसर्व भी, देखा देखी नीचे है, करीब 2% नीचे। NTPC भी हल्की कमजोरी, इसलिए मैंने आपको बताया था NTPC के नंबर, मेरे को रिसर्च कह रही है कि नंबर अच्छे हैं, मैं भी मानता हूँ नंबर अच्छे हैं, लेकिन ये शेयर चल चुका है बॉस, ये नंबर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था, इसलिए आज शुरुआत में करीब 5 से 6 रुपये आज आपको नीचे दिख रहा है। ITC भी आपको वीक है, हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लास्ट की जो पूरी लाइन है वो पूरी रेड है। इसके अंदर बाजार के अंदर जो रेशियो है वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो परसेंटेज के कट हैं वो गिरने वाले शेयरों में ज़्यादा हैं, जैसे बजाज फिनसर्व फाइनेंस, ये दोनों आपको ज़्यादा बड़े कट दिखा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके हम ट्रेड लेंगे। एक बार स्क्रीन पर जरा वापस से बैंक निफ्टी दिखाएंगे आप, क्योंकि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का प्रेशर आता है, जरा मेरे को ये चेक करना है कि इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। एक बार जरा हीट मैप हटा के जरा बैंक निफ्टी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए दर्शकों का, और इंडिया विक्स भी देखिएगा, यस 45,600 है, इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहा है और बाजार हो सकता है शॉर्ट कवरिंग कराए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा चलेगा, ये आपको परसेंटेज में भी दिख रहा है, अगर आप दिखाएंगे तो देखेंगे आपको परसेंटेज में भी। और इंडिया विक्स कल देखो कौन थे मेहमान, राहुल शर्मा, वो ये बता रहे थे कि इंडिया विक्स अभी और बढ़ेगा, आपको घबराना नहीं है, ये बजट से पहले इंडिया विक्स इतना बढ़ता है और बढ़ भी रहा है, कल का 13%, आज करीब 3% और है। ये कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग है जो आपके सामने रख रहे हैं। मनीष, मिड कैप के शेयर्स बता दो फिर हम ट्रेडिंग कॉल देते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले हमने खबर बताई थी शुगर स्टॉक्स की, शुगर स्टॉक्स देखिए, KCP शुगर 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिले, सिंबावली शुगर, बजाज हिंदुस्तान, राष्ट्रीय शुगर जैसे स्टॉक्स देखिए, इन सब में कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं स्वदेश की खबर का असर जो है अब स्टॉक्स पर दिखना शुरू हो रहा है। सिंपल इंटर चार्ट दिखाई जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय शुगर, बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स है जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। अब शुगर के साथ साथ आप देखिए चाय से जुड़ी कंपनी को शेयर में तेजी है आज के ट्रेड में, मैक्लोर्ड, रसल, हरिसर मल्लान जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। एक और सेक्टर है, मैं तमाम वैसे छोटे मझोले स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें यहाँ से हो सकता है तेजी और देखने को मिले। अब कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, ITI में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, मिर्जा इंटरनेशनल देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली है, बाटा जैसे स्टॉक्स है वहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। नतीजों के दम पर आज के ट्रेड में बिजनेस पाइप में देखिए एक शानदार तेजी देखने को मिली है। इंफ्रा में कल एक स्टॉक की चर्चा हुई थी लगातार, इंफ्रा और NBCC, उन दोनों में देखिए आज के ट्रेड में एक शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। IRB इंफ्रा में करीब 5.5-6% की मजबूती, NBCC में आज के ट्रेड में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा और स्टॉक्स देखिए, राइट्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है, और एक शेयर जिसपे कुश और डिम्पी लगातार तेजी की बात करते रहे हैं, IFCI, वहां वापस एक अच्छी मजबूती देखने को मिली।
सर्किट तो नहीं लगा अभी तक, क्या बोला जाए सर, क्या 5.5% हो गया, लग भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे 10% का तो है ही है, कुछ भी हो सकता सर। ये 24 रुपए में हमने आपको बताया था, हमें कई बार खुद अपने आप पे भी यकीन नहीं होता कि आपको भी इतनी इतनी बिजली की उम्मीद थी। नहीं नहीं बिल्कुल उम्मीद थी, और मैं आपको बताऊँ, मैं कल किसी से बात कर रहा था, कोई थे सज्जन, तो वो कह रहे थे कि उसे IFC के बारे में चर्चा हो रही थी उनसे, तो बता रहे थे हो गया होगा 40 रुपए का। मैं कहा सर जरा आप ऐप खोलो, आप जरा चेक कर लो, आप जरा खुद को आपको पता लग जाएगा। तो हमें भी नहीं हैरानी हो रही है कि बहुत स्पीड से चलाई।